हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लाउज की डिजाइनर स्लीव्स। ब्लाउज की डिजाइनर स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। आइए हम इस अब डिजाइनर स्लीव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 12 इंचेस। ये देखिए 12 इंचेस पे हम ये मार्क लगा देंगे और हम इसकी मुड्डी की चौड़ाई हमने ये 10 ली है। यहाँ पे हमें यहाँ पे सीधा एक निशान लगाना है इस तरीके से। और फिर जैसे अपन नॉर्मली ब्लाउज के अंदर 3.5 इंच लेते हैं इधर गोलाई देने के लिए, इसी तरह हमें इस अस्तर के ब्लाउज में भी हमें यहाँ पर 3.5 इंच ही गोलाई के लिए देनी है। और अब हम इसकी गोलाई लेंगे, गोलाई ढालने की इसकी। अब हम नीचे से इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई मुझे यहाँ पर 6.5 इंच की बाजू तैयार चाहिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई, तो मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 8 इंच लूंगी, जिसमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन भी हो जाएगा। और हम इसे इसको मिला देंगे। ये देखिए हमने इस पे ये निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी इसकी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ब्लाउज की बाजू की कटिंग हम एक के दो ऊपर के जो स्लीव्स होती हैं इनके ऊपर से ये गोलाई करेंगे थोड़ी सी। इसे हम आगे फ्रंट से जोड़ेंगे। अब हम इसमें डिजाइन देने के लिए सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मैंने ये कैनवास लिया है। कैनवास की लंबाई मैंने ब्लाउज की इसके ब्लाउज की लंबाई के बराबर ली है। ये देखिए अब हम इसके कैनवास के ड्राफ्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारा कैनवास है, हम ऊपर से 1 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, 1 इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे से। अब हम इन दोनों को पकड़ लेंगे और इसको 3 हिस्सों के अंदर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसे 3 हिस्सों में कर लिया है। ऊपर का ये 1 इंच ऊपर छोड़ दिया, 1 इंच इधर छोड़ दिया। बाकी के इस ड्राफ्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। इसको हमें इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे 3 हिस्सों के अंदर इसको करना है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ड्राफ्ट की कटिंग करने के लिए हमने इसकी गहराई हमने 1.5 इंच ली है। और हमें इसकी लंबाई नापनी है। लंबाई यहाँ पे हमारे 3.5 इंच आ रही है, तो हमें इसका बीच का लगाना है। बीच में इस तरीके से पॉइंट देना है। पॉइंट देने के बाद हमें ये एक लाइन खींचनी है यहाँ पर। ये हमारा एक तरीके का पॉइंट है। अब हमें इसको यहां से निशान लगाना है और इधर से भी इसे निशान लगाना है। अब हम इसको थोड़ी सी यहां से थोड़ी सी इसको गोलाई देते हुए, ये देखिए इस तरीके से ये गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्लाउज में इस तरीके की ये गोलाई आई है। अब हम इसको, इस कैनवास को एक लाइनिंग पे अटैच कर लेंगे। ये मैंने ये लाइनिंग ली है। अब हम इस पे इसको इस तरीके से रखेंगे, देखिए। और फिर
हम इसके इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करते हुए पूरी सिलाई लगाएंगे, फिर इधर से और इधर से, इधर से पूरे सिलाई लगाएंगे। अब हमें थोड़ा सा इधर से पहले कट कर लेना है, थोड़ा सा हमारी इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी इसलिए, और हमें इधर से भी कट कर लेना है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनकी दोनों तरफ सिलाई लगा दी, इस तरफ चारों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम इसको ब्लाउज से जोड़ेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो ये हमारा ये ब्लाउज का ये लिया है, हम इसका पहले सेंटर लेंगे। सेंटर में हम इसका एक कट लगाएंगे, इसका मार्क लगाएंगे और एक मार्क हम यहाँ पर भी लगाएंगे। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे इसके बीच में, ताकि हमें इसका सेंटर पता रहे। और अब हमने जो ये जो हमारे जो डार्क तैयार हुआ है, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बराबर फोल्ड करते हुए एक मार्क इधर लगाएंगे और एक मार्क इधर लगाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इसको यहाँ पर इससे मिलाएंगे और इसकी यहाँ पर पूरी एक सीधी सिलाई लगाएंगे, सीधी की सीधी सिलाई लगेगी इसमें। ये देखिए हमने इसकी अटैच कर ली है। अब हम इसके इस तरफ से भी सिलाई लगाएंगे, वापस हम इस कपड़े को अटैच करके हम दोबारा से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए इसको वापस से अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके दोनों तरफ से इधर से भी हमने इसको सिलाई कर दी और इधर से भी कर दी है। अब हम इसके बीच में से कटिंग करेंगे। अब हम इसके बीच में से इस तरीके से इसको काट देंगे। जो हमने सिलाई की थी उससे इसको काट देंगे। काटने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकाला, हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी भी इसी तरह से कटिंग कर देंगे।
ये हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस तरह की ये शेप आई है। मैंने इन दोनों को यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए निकाल दिया है। इसको हम पेचकस की सहायता से इस तरीके से निकाल सकते हैं और फिर इसे ये ऐसा ये इस तरीके का लुक आया है। अब हम इसके डिज़ाइन बनाने के लिए इसकी ओर अब मैंने ये एक लेस ली है। अब इस लेस को मैं यहाँ से अटैच करूँगी। इस लेस को मैं यहाँ से अटैच करती हुई इस पूरी ब्लाउज की इस तरीके से ऐसे घुमाती हुई यहाँ पर पूरी इसके लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इस पर ये लेस अटैच कर लेनी है। हमें ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए ना, क्योंकि हमें ये ऊपर बाजू के अंदर अटैच करना है, इसे थोड़ा सा इससे छोड़ते हुए फिर हमें ये लेस लगानी है। इसी तरह हमें हमारे पूरे ब्लाउज पर इस लेस को अटैच यहाँ इस ये जो शेप दी इस लेस को अटैच करनी है इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे इस बाजू की इनकी दोनों तरफ ये लेस अटैच कर दी है। इस तरीके से हमें ये दोनों तरफ ये लेस अटैच करनी है। अब हम इसको इधर से मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे। इधर से मिलाने के बाद में हम हमारी ये लेस हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मैं आपको मिला के बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये इस तरीके से हमने ये लेस इस पर अटैच कर दी है और हमने यहाँ से इसको जॉइंट भी कर दिया है। देखिए, हमने ये यहाँ से इसको जॉइंट भी कर दिया है और हमने ये इस पर ये लेस अटैच कर दी है। ये देखिए, अब हमें इसको इन दोनों को यहाँ से अटैच करना है और फिर हमने हमारे यहाँ पर इसमें हमें यहाँ पर ये बटन अटैच करने हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये दोनों बटन अटैच करने हैं। ये मैं आपको यहाँ से अटैच करना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इधर से भी अटैच कर दिए और ये इधर से भी अटैच कर दिए। अब हम इसमें ये बटन लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से भी ज्वाइन कर लिए, यहाँ से भी कर लिए और यहाँ से भी अटैच कर लिए। अब ये हम इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी तीसरा अटैच कर सकते हो और यहाँ पर अगर नहीं भी लगाना चाहो तो ये यहाँ से दब जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर हम ये दो बटन अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे ब्लाउज पे इन पे तीनों ये बटन्स लगा दिए हैं। अब हम ये बताई हूँ आपको, जब आप ब्लाउज में जोड़ोगे तो आप यहाँ पर यहाँ से कंधे से यहाँ से लेना, कंधे से इस तरीके से इधर से जोड़ना, फिर इधर से देना, उसके बाद आप आपकी फिटिंग करना और यहाँ से ये ब्लाउज की फिटिंग होगी। और अब हमारा ये ब्लाउज तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्लाउज की डिजाइनर बाजू तैयार है। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली डिजाइनर ब्लाउज की वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।